दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुरादाबाद के तीन ऐसे लड़कों की जिनकी वीडियोस YouTube और Facebook पे खूब वायरल हो रही हैं और हम सभी को खूब हंसा रही है। मैं बात कर रहा हूँ राउंड टू हेल के तीन लड़के नाजिम, जयान और वसीम की। आज की इस वीडियो में मैं आपको राउंड टू हेल की पूरी कहानी शुरू से बताऊंगा। ये सब शुरू हुआ फुटबॉल फ्री स्टाइल वीडियोस से। स्कूल की छुट्टियों के बाद तीनों मिलकर खूब फुटबॉल खेला करते और कुछ नया सीखने के लिहाज से YouTube पे फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोस भी देखा करते। यहीं से उन्हें भी आइडिया मिल गया अपनी वीडियोस बनाने का। बस अब क्या था, तीनों ने मिलकर अपने मोबाइल से वीडियोस बनाई और YouTube पे अपलोड कर दी जो ज़्यादातर फुटबॉल से रिलेटेड होती थी, बट इन पे कभी व्यूज नहीं आए। उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया और पब्लिक कैप्शन वीडियो ट्रॉल वाली वीडियो बनाकर यूट्यूब पे 6 नवंबर 2016 को अपलोड कर दी, जिसे यूट्यूब पे 300 व्यूज और 70 से ज्यादा लाइक्स मिले। इससे तीनों बहुत खुश थे और उन्हें लगा चलो कोई तो है जो उनकी वीडियोस को पसंद करता है। इसके बाद उन्होंने दूसरी वीडियो डाली 20 नवंबर को। ये वीडियो लोगों को पसंद नहीं आई और तीनों को बहुत क्रिटिज्म झेलना पड़ा। चारों तरफ से डीमोटिवेशन मिलने की वजह से तीनों ने वाइंस बनाना बंद कर दिया, पर कहीं ना कहीं अब भी उनके मन में वाइंस बनाने की ललक छिपी हुई थी। और जब उनके सबसे अच्छे दोस्त आलम सैफी ने उन्हें ट्राइपॉड गिफ्ट की तो तीनों ने मिलकर जोश जोश में DSLR वीडियो शूट की और दिसंबर के लास्ट में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। लगभग एक महीने के बाद फिर से उनके वीडियोस पे 300 से ज्यादा व्यूज और कुछ लाइक्स मिले। नाजिम, जयान और वसीम तीनों वीडियोस बनाए जा रहे थे पर कभी उन्हें अच्छे खासे व्यूज नहीं मिले। तीनों को लगा हम नहीं कर सकते, फिर भी वो वीडियोस बनाते रहे। अपनी ऑफिशियल फेसबुक पेज बनाया और जिम वर्कआउट वाली वीडियो बनाई। इस वीडियो पे भी उन्हें यूट्यूब पे कुछ ही व्यूज मिले, फिर भी वो रुके नहीं और वीडियोस बनाते रहे। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी पहली गेम चेंजर वीडियो साबित हुई जियो यूजर आफ्टर 31 मार्च। इस वीडियो से उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, पर उनकी इसी वीडियो ने उनके चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए थे और ये सब हुआ सिर्फ 3 दिनों में। अब उनके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आने लग गए थे और उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसके बाद जो हुआ हम सभी को पता ही है, राउंड टू हेल ने क्या कर दिखाया। कभी इनके चैनल पे 500 से ज्यादा व्यूज नहीं आते थे और वहीं आज उनकी हर वीडियोस मिलियन व्यूज क्रॉस करती है। ना फैमिली का सपोर्ट, ना कोई बड़ी टीम, ना कोई बड़ा सेटअप, बस एक कैमरा और 3 दोस्त। इन्होंने साबित कर दिखाया कि आपका जुनून और आपकी हिम्मत कठिन से कठिन रास्तों को भी आसान बना सकती है। स्पेशली इन तीनों से मैंने एक बात सीखी और वो ये कि कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एंड गाइस, लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको हल्का सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें सुननी बहुत ज़रूरी है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लड़ते रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। धन्यवाद।